हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, अब अगस्त से लेकर दिसंबर तक दबा के आपको सेल पे सेल देखने को मिलती रहेंगी। तो ऐसे में कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, अगर हमें कोई फ़ोन बाय करना है तो कौन सा फ़ोन बाय किया जाए। मैं आपको पहले बेस्ट फोन अंडर 15,000 की वीडियो दे चुका हूँ, आज हम बात करने वाले हैं 15,000 से लेकर 20,000 की रेंज में किस फोन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, किसकी क्या अच्छी बातें हैं, क्या कमियाँ हैं, सब बताऊंगा। दिल थाम के बैठ जाओ, वीडियो एंड तक आप देखते रहिएगा। तो पहली बात, आप कोशिश करो वो फोन कंसीडर करो जिनका प्राइस पहले काफी ज्यादा था, अब वो काफी कम है। आप उन फोनों के चक्कर में मत आना जिसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, Realme P1 Pro एक ऐसा फोन है जो 20,000 का लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे जो Realme 12 Pro है ना, उसका प्राइस था 25-26,000 के आसपास, और P1 Pro और 12 Pro दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे स्मार्टफोन है। इस टाइम पे आपको Realme P1 16-17,000 के आसपास की रेंज में मिल जाएगा। अंडर 20,000 एक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोन बना हुआ है। इसका एडवांटेज है 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 120Hz रिफ्रेश रेट, और कैमरा Realme का फोन है। देखो कैमरा में ये तो नहीं कह सकता बेस्ट कैमरा फोन ये बन गया है, ठीक ठाक कैमरा मिल जाता है बजट के हिसाब से। मेन बात है परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया दी जा रही है, और कंफर्टेबल फोन है यूज़ करने में। तो अगर आपको 17,000 के आसपास का फोन चाहिए तब आप Realme का ये फोन बाय कर सकते हैं। बट अगर आप 20,000 तक पे कर सकते हैं, बैंकों पर लगाकर 20,000 में Realme 12 Pro भी अवेलेबल है, वो इससे एक कदम आगे स्मार्टफोन है। लेकिन उसके लिए आपको बैंक ऑफर वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको बिना बैंक ऑफर के भी 20 के अंदर फोन मिल जाएगा। तो ये मैं आप एक तो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सेकंड फोन हमारा आता है OnePlus की तरफ से, ये फोन है OnePlus Nord CE 4 Lite। अभी क्या आता ना, 20,000 का ये फोन लॉन्च हुआ था। अब 20,000 में क्या दिक्कत रहती है हमें, 21,000 में आपको मिल जाता है Nord CE 4 5G। तो उस रेंज में जब हमें इससे बेटर फोन मिल रहा है तो 20,000 में क्यों इन्वेस्ट करेंगे एक लाइट वेरिएंट पर। अब इस टाइम पे आपको ये फोन 17,000 का मिल जाएगा। अगर मैं 17,000 के हिसाब से देख रहा हूँ, इस फोन में जो चीज़ें दे रखी है ना, काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। क्योंकि इससे पहले जो Nord CE 3 Lite आया था या CE 2 Lite आया था, वहाँ पर दिक्कत ही रही थी, एमोलेड डिस्प्ले को नहीं दिया था OnePlus ने IPS पैनल की वजह से। वो फोन मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन अगर आप ऑफलाइन में चेक करेंगे ना, जो ये लाइट वाली सीरीज है ये OnePlus की बेस्ट सेलिंग सीरीज रहती है हर साल। तो अब जो Nord CE 4 Lite है, यहाँ पर इन्होंने एक तो एमोलेड डिस्प्ले दे दिया, हाई रिफ्रेश रेट आपको मिल ही रहा है, इंडिया एंड फील्ड फोन की अच्छी है, बॉक्सी डिजाइन आपको दे रखा है, और ऑक्सीजन वाइज जो यहाँ पर मिल रहा है आपको यूज़ करने में मज़ा आएगा। मैं ही मानता हूँ कि जो पहले ऑक्सीजन वाइज आता था ना, वहाँ पर कोई भी फालतू के ब्लॉटवेयर नहीं दिए जाते थे, अब आपको थोड़े बहुत मिल रहे हैं। लेकिन आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और अभी भी अगर मैं इनको पोको से, रियलमी से, या फंटच चॉइस से कंपेरिज कर रहा हूँ, किसी से भी कंपैरिजन कर रहा हूँ ना जो कश्मीर वाले फोन है, उनके कंपैरिजन में ये आज भी काफी स्ट्रॉन्ग यूजर इंटरफेस लेकर आता है OnePlus अपने साथ। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपको, लॉन्ग टर्म यूज में आपको दिक्कत नहीं आएगी, फोन बढ़िया आपका साथ देगा। इसके बाद अगला फोन हमारा जो है, वहाँ भी आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होने वाला है। ये फोन है मोटोरोला की तरफ से, मोटो जी 85। अभी रिसेंटली ये फोन इंडियन मार्केट पे लॉन्च हुआ है। इस फोन का एडवांटेज है, इसका एक तो कर्व एमोलेड डिस्प्ले, साथ में प्योरेड डिस्प्ले इस फोन में, साथ में वेगन लेदर आपको मिल जाएगा, काफी स्लिम और लाइट वेट ये स्मार्टफोन है। आपको अगर कोई एक ऑलराउंडर से पैकेज चाहिए ना, जहाँ परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो तो चल जाए, तो ये फोन आपके लिए ऑलराउंडर रहे। देखे हैं बाकी जो फीचर्स हैं, बाकी कैमरा क्वालिटी हो गई, वैसे परफॉर्मेंस हो गई, डिस्प्ले क्वालिटी हो गई, वहाँ पर इन्होंने पूरा ध्यान दिया है। स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, मैंने अभी इसका कंपैरिजन भी किया था वीवो T3 के साथ, वो भी आप चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपके सभी डॉक्स क्लियर हो जाएंगे इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर। तो Moto G85 मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आपको, 17,000 में इस टाइम वो फोन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको चाहिए एक ऐसा फोन जिसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो, प्रीमियम फोन हो यूज़ करने में, और आपको चाहिए फ्लैट डिस्प्ले, Realme Narzo 70 Pro, इस फोन का प्राइस अब कम हो गया है अगर मैं पहले से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो। अब आपको ये फोन 16,000 के आसपास मिल जाएगा। अगर मैं 16,000 के आसपास की वैल्यू देख रहा हूँ और इस फोन को देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी डील है, क्योंकि MirrorEye Dimensity 7050 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस हम सब जानते हैं बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती यूज़ करने में। दूसरा, एमोलेड डिस्प्ले है, हाई रिफ्रेश रेट है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है,
तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, कैमरा क्वालिटी बेस्ट नहीं कहूँगा पर बढ़िया है, इस प्राइस के हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो ये बेस्ट टाइम है इस फोन को बाय करने का। चलिए अब बात करते हैं ऐसे फोन के बारे में जहाँ पर अगर आपको चाहिए ना 17,000 में परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन और स्लिम स्मार्टफोन, तो आप ले सकते हैं IQ Z9। मैंने इसकी टेस्टिंग की थी, मुझे फ़ोन ये अच्छा लगा। मेन बात है अगर आपको इस रेंज में ये गेमिंग फ़ोन चाहिए ना, जहाँ पर अच्छी खासी गेमिंग आप कर पाओ, तो इस फ़ोन में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप क्लास का होगा। Dimensity 7200 इस फ़ोन में अवेलेबल है, जिसकी परफॉर्मेंस हम सब जानते हैं टॉप क्लास की है। 7 लाख से ऊपर आते हैं इसके AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स। दूसरा, काफ़ी स्लिम और लाइट वेट ये स्मार्टफोन है। एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर आपको दे रखा है। कुल मिलाकर जब आप ये फ़ोन यूज़ करोगे ना, आपको ये फ़ोन यूज़ करने में कंफर्टेबल फील होने वाला है, ये इस फ़ोन का प्लस पॉइंट है। तो 17,000 में आप इसको भी देख सकते हैं, आपको यूज़ करने में इसको मज़ा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी दोस्तों मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स ये भी मिलते हैं, हमें चाहिए भाई ऐसा फ़ोन जहाँ पर हम कर सकें फ्लैगशिप वाली गेमिंग बट सस्ते में। अब देखो 15,000 से 20,000 में जो भी फ़ोन है ना, वहाँ पर प्रोसेसर उतना फ्लैगशिप वाला आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो बिग बिलियन डे आएंगे ना अभी, वहाँ पर क्या होगा, जो अभी फ्लैगशिप किलर फ़ोन है, चाहे वो रियलमी GT60 हो या फिर पोको एक्सिस प्रो हो, इन सब पे आपको डिस्काउंट रख के ये फ़ोन 20 के अंदर आपको मिल जाएंगे, उस टाइम पर आपको मिल जाएगा ऐसा फ़ोन। बट अगर आपको अभी फ़ोन चाहिए ना, तो मैं एक फ़ोन बताता हूँ, ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है GT20 Pro। वैसे इस फोन का प्राइस है 20 से ज़्यादा, बट जब आप बैंक ऑफर लगा लोगे या एक्सचेंज ऑफर लगा लोगे, 17-18 हज़ार का ये फ़ोन आपको पड़ जाएगा। अब बिना एक्सचेंज ऑफर के भी 20,600 में आप इसको बाय कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप फ्लैगशिप गेमिंग कर सकते हैं, ये एक इन्फिनिक्स का गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है। Dimensity 8200 इस फ़ोन में अवेलेबल है, तो ये मैं आपको एक तो रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आपको इसी रेंज में फ्लैगशिप गेमिंग के लिए कोई फ़ोन चाहिए तो। बट हाँ, 20 से थोड़ा सा आपको बजट ऊपर यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा। टेंशन मत लो, अगली वीडियो आपको मिल जाएगी बेस्ट फोन अंडर 25,000, 20 से लेकर 25,000 में क्या क्या आप बाय कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन 15 से 20 में जो मैंने फ़ोन बताए हैं ना, आप इनके अलावा कहीं और ज़्यादा वो मत करना, मैं सब चेक कर चुका हूँ, उसके बाद ही मैंने आपको ये लिस्ट दी है। अगर आपके मन में कोई फ़ोन आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, उसको मैं बता दूंगा आपको देखकर कि हाँ ये फ़ोन आप लो या ना लो। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से, हेल्प मिली है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, आपको धमाकेदार वीडियोस मिलती रहेंगी जहां पर आपको सब जानने को मिलेगा, क्या आपको बाय करना है, क्या आपको नहीं करना। USP आप जानते हैं क्या है, ब्रांड की मंदिश नहीं है हमारे ऊपर, तो आप बस सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा, आपको ट्रू रिव्यूज मिलते रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में।